Good morning, students. Let's continue the chapter. And what is the name of the chapter? We need water, part 3. Let's revise what we had learned in the last video. Sources of water. From where we get the water? Rain, rivers, lakes, well, ponds, sea and oceans. आपको पता है ना, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, वाटर साइकिल क्या होती है. यस, ओशन वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट इज सॉल्टी. एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर ड्रिंक करते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर, शुड बी प्योर एंड क्लीन. नाउ स्टार्ट. वाटर. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स. यूनिवर्स में एक अर्थ ऐसा प्लैनेट, ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड ऑक्सीजन. एंड वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर एंड विदाउट इट दे कैन नॉट सर्वाइव. विदाउट वाटर, पानी के बिना कोई भी, ना तो प्लांट्स, ना एनिमल्स, ना ह्यूमन बींग्स, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता. एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अर्थ, देख रहे हैं, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई वी नीड टू सेव वाटर. आपको पता है हमें वाटर को सेव करने की जरूरत क्यों है. व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जब आपकी अर्थ पे इतना सारा पानी है तो आपको उसको सेव करने की जरूरत क्या है. यस, आई विल टेल यू. 97% ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज सॉल्टी वाटर. जो आप वाटर देख रहे हैं इस टाइम, इसमें से 97% वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर है, जो कि सुटेबल नहीं है किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए. ओनली 3% ऑफ ऑल द वाटर इज फ्रेश वाटर. ओनली 3% जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो कि बहुत लेस परसेंटेज है क्लीन वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की आपके पास अर्थ पे. सो वी शुड नॉट वेस्ट क्लीन वाटर एंड सेव इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द मैनी वेज फ्रॉम विच यू कैन सेव वाटर. यस, ईजी वेज टू सेव वाटर. वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. Read how these children save water. Gurpreet, I can only take as much water as I can drink. आपको जितना पानी पीना है आप सिर्फ उतना ही लीजिए. एक्स्ट्रा लेंगे तो वेस्ट करेंगे ना, तो सो डोंट वेस्ट द वाटर, यू शुड सेव द वाटर. आई टर्न ऑफ द टैप व्हाइल आई ब्रश माई टीथ. आप जब ब्रश कर रहे होते हैं अपने टीथ को तो टैप को टर्न ऑफ कर दीजिए, उसे बंद कर दीजिए. When you complete it, then it टैप को आप टर्न ऑन कर लीजिए. आई टेक द शॉर्ट बाथ लीजिए. नेक्स्ट, सेविंग वाटर इन द किचन. आप किचन में वाटर कैसे सेव कर सकते हैं. आप जब वॉश करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, उन्हें टैप के नीचे मत करिए, आप उन्हें बाउल में वॉश करिए, जिससे कि जो वाटर आपको बस जो लेफ्ट वाटर बचेगा ना, आप उसे गार्डन में यूज़ कर सकते हैं. यूज़ वाटर फ्रॉम द मेल्टेड आइस क्यूब्स ऑफ आइस ड्रिंक्स. जो भी आइस ड्रिंक्स होती हैं उनके मेल्टेड जो होते हैं वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं वाटर को प्लांट देने के लिए. यूज़ द फ्लश आउट आर ओ वाटर. आपके जो आर ओ लगे होते हैं उसमें जो वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक है, आप उसे अपनी कार को वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड बाइक को वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सेविंग वाटर इन द बाथरूम. टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. टेक शॉर्टर ब्रेथ. टर्न ऑफ टैप वाइल अप्लाइंग सोप. जब आप अप्लाई करते हैं सोप अपनी बॉडी पे, तब भी आप टर्न ऑफ कर दीजिए टैप को, इससे भी आप सेव कर सकते हैं वाटर को. टर्न ऑफ टैप आफ्टर ईच यूज़. हर एक यूज़ के बाद आप टैप को टर्न ऑफ करिए. ऑन रहेगा तो वाटर वेस्ट होगा. डोंट फ्लश द टिश्यू पेपर और वेस्ट इन टू द टॉयलेट. आपको टिश्यू पेपर्स और वेस्ट को फ्लश नहीं करना है टॉयलेट में. सेविंग वाटर इन द गार्डन. मैम ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया
जो भी आप वेजिटेबल्स वॉश करते हैं उसके वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट ओवर वाटर जो होता है गार्डन में। वाटर द प्लांट यूजिंग अ मग, जब भी आप वाटर देते हैं प्लांट्स में आप मग यूज़ कीजिए, डोंट यूज़ पाइप एंड ऑल। प्लेस टब आउटसाइड टू सेव रेन वाटर एंड यूज़ इट टू वाटर द गार्डन लेटर। आप जब भी रेन हो रही होती है ना आप टब यूज़ कर सकते हैं, उसमें वाटर कलेक्ट हो जाएगा, देन आफ्टर द रेन स्टॉप ना यू कैन यूज़ दिस वाटर फॉर गार्डन में पानी देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वाटर द गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग। नाउ अदर प्रैक्टिस, और भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं आप सेव कर सकते हैं वाटर्स को, ठीक है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट होम, मैंने बताया आपको, बकेट्स में आप, टब्स में आप सेव कर सकते हैं वाटर को, और उसके बाद आप उसे मैनी वेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर वाटर देने के लिए प्लांट्स में। डू ऑल द लॉन्ड्रीज एट वंस को, अवॉइड फ्रिक्वेंट वॉशेज। आप क्या होता है जैसे आप जब भी कभी क्लोथ्स आपके मम्मी वॉश करती हैं तो जैसे 4 to 5 क्लोथ्स हो गए, ऐसा नहीं मम्मा के पास जब पूरा बकेट भर जाए तभी वॉश करें, फ्रिक्वेंटली वॉश ना करें, जिससे कि वाटर कम वेस्ट होता है। आपको पता है ना फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आती हैं आजकल तो उसमें वाटर ज़्यादा वेस्ट होता है। गो इन फॉर अ शॉर्ट शॉवर ड्यूरिंग समर। टॉक टू फ्रेंड्स एंड नेबर्स अबाउट द सेविंग वाटर। अपने फ्रेंड से बात करिए कि वो और आप मिलकर कैसे सेव कर सकते हैं वाटर्स को। अपने नेबर्स को भी बताइए कि आप भी सेव कर सकते हैं वाटर को, ठीक है। आप कैंपेन्स लगा सकते हैं, सबको अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं वाटर्स को। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन इन योर नेबरहुड, आसपास में लगाइए, जिससे कि सेव करें वाटर को फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है, बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर इज लेस इन परसेंटेज। क्लोज ऑल द टैप्स एंड वॉल्व्स बिफोर यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस और गो ऑन अ वेकेशन। आप कभी बाहर जा रहे हैं घूमने तो जितने भी टैप्स हैं आपके घर के उन्हें क्लोज कर दीजिए। फिल हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक फर्स्ट, रिफिल इफ रिक्वायर्ड। आप जितना वाटर रिक्वायर्ड आपको ड्रिंक करना है उतना ही फिल करिए, अगर आपको दोबारा पीना है, दोबारा ड्रिंक करना है तो यू कैन रिफिल अगेन। सेव वाटर, डब्ल्यू, वेस्टिंग वाटर इज बैड। ए, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। टी, टुगेदर वी शुड सेव इट। ई, एवरी वन कैन हेल्प। आर, रीयूज वाटर प्लीज। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बेथिंग, वाटरिंग प्लांट एक्सेट्रा। एंड सोर्सेज ऑफ वाटर, रेन, रिवर, लेक्स, वेल पॉन्ड, सी एंड ओशंस। सेव वाटर, सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।